माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता। आज हमारे साथ ऐसी माँ भी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि माँ बनके इन्हें कैसा लगता है, बेटी बनके क्या रोल अदा करने होते हैं, एक बहू बनके क्या किरदार अदा करना होता है। हमारे साथ इस वक्त एक माँ भी मौजूद है, आइए मदर्स डे पे इनसे एक मैसेज लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप मदर्स डे पे? मदर डे एक दिन का नहीं होता बेटा, मदर डे को रोज़ आना है। रोज़ उठें, अपनी माँ को देखें, उसको प्यार करें, उसका माथा चूमें। रोज़ आना मदर डे है हमारा, लेकिन ये बस एक रिवायत आ गई है बीच में कि जी आज मदर डे है। तो मैं उस मदर डे के बारे में क्या कहूँ, बताइए आप क्या कह सकती हूँ मैं। अब कुछ माएँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं अपनी औलादों से, लेकिन डर भी करती हैं, और उस डर की वजह से वो अपनी औलादों को आगे नहीं बढ़ने देती। तो ऐसी माओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनकी काउंसलिंग करें? नहीं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे ख्याल से मौत और ज़िंदगी तो मेरे अल्लाह के अख्तियार में। हम जब तक अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, दीन से करीब नहीं करेंगे, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, बच्चों को हौसले अफजाई नहीं करेंगे, तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? तो माओं को ये काम करना चाहिए। जो माएँ डरती हैं वो डरें ना, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसा करें, उनके बच्चे बहुत कामयाब होंगे। और ये कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चों, मेरे बेटों, जो माएँ यदि ट्रस्ट में है या जो माएँ उन लोगों में है, तो अल्लाह ताला जो है उन लोगों को करम करे। उन बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि वहाँ जाएं और उन लोगों को जो है अपनी माओं को गले लगाएं। वो बड़े इंतज़ार में होती हैं, और माएँ तो माएँ होती हैं बेटा, माएँ तो जन्नत होती हैं औलाद के लिए। हम क्या चीज़ हैं, जब मेरे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि ए मूसा आज संभल के निकलना, आज पीछे हाथ उठाने वाली माँ नहीं है, तो हम क्या चीज़ हैं बेटा। माँ का तो रुतबा इतना बड़ा मेरे रब ने दिया है। तो मैं सब उन बच्चों से दरख्वास्त करूँगी कि जो बच्चे अपनी माँ को ओल्ड होम में छोड़ आते हैं, तो वो अपनी माँ का अदब करें और उनसे मोहब्बत करें, उनसे मिलने जाएं, उनका एहसास करें। अल्लाह के वास्ते अपनी माँ को अपने घरों में रखें, वो रहमतें आप लोगों के लिए, वो जन्नत का दरवाज़ा है, वो जन्नत है आपके लिए। वो आपको छोटा सा इतना बड़ा करती हैं, और जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप लोग उनको माओं को वहाँ छोड़ आते हैं। ऐसा ना करें अल्लाह के वास्ते।